बैंगन, ये अभी छोटे साइज है लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि एक किलो मतलब हो रहा है ये सच में। उठाओ जरा। तो दोस्तों देखिए अभी हमने ना यहाँ पे इतने बीन्स टीप दिए हैं। सब्जी लेने आ रही थी हमारे भाई, बहुत दिनों बाद ये भाई। तो दोस्तों देखो इस साइड से भी ना हमने इतनी मूलियाँ निकाली। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हम लोग आए हैं अपने खेतों में। तो मेरे वीडियो की शुरुआत ना आजकल हमेशा हमारे बैंगन के खेत से ही हो रही है क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे आ जा रहे हैं बंदर। तो आज हम लोग कर रहे हैं बैंगन की तुड़ाई। तो आज के पूरे ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर पे क्या क्या साग सब्जियाँ हो रखी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंगन से कि हमारे घर पे कितने बैंगन हो रखे हैं और कैसे कैसे वैरायटीज़ हैं हमारे पास। फ़िलहाल तो 2 वैरायटी के बैंगन हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को। अभी मिस्टर जी और मितांश कर रहे हैं बैंगन की तुड़ाई। तो चलिए जी बने रहना आगे वीडियो में और आज के पूरे वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा हमारे घर पे जो भी साग सब्जी हो रही है हो रखी है पूरा उसी के बारे में आप लोगों से आज वीडियो शेयर की जाएगी। तो ये है हमारा बैंगन का खेत और जिसमें ना काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं और आधा बैंगन की हमने अभी तुड़ाई कर दी है। तो ये देखिए इतना बैंगन ना हमने तोड़ दिया है यहाँ पे छोटा किसान। और ये हमारा छोटा किसान क्या कर रहे हो आप, मत करो खड़े उठो। क्या है मितांश ये क्या है ये बताओ क्या गुलू। तो देखो इतने बैंगन ना दोस्तों हमने निकाल दिए हैं एक बैंगन छी। तो ये देखिए तो दोस्तों इसमें ना हमारे पास 2 वैरायटी के बैंगन हैं, एक एक गोल वाला बैंगन है और दूसरा ये वाला बैंगन है। तो ये काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं बिल्कुल घर के फ्रेश और ताज़े बैंगन। तो यहाँ पे हमारे किसान कुछ बोलना चाहोगे। जी जी बिल्कुल दोस्तों ये देखो ये है भरतवाला, ये भी छोटे साइज है लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि 1 किलो मत दो। और हम इसलिए तोड़ हैं इनको क्योंकि यहाँ बंदर लगे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, वो भी दिखाएंगे आपको कि कितने नुकसान कर रहे हैं बंदर, तो इसलिए हमें तोड़ना पड़ा है। तो ये हमारे भरते वाले बैंगन और मितांश जी बैंगन लिखाओ चलो। ये हमारे छोटे किसान लो बैंगन ले जाते हो। तो दोस्तों ये है देखो लंबे वाले बैंगन। तो ये हमारा छोटा किसान। तो यहाँ जहाँ जहाँ हम घुसते हैं ये वहाँ घुस जाता है। चलो इकट्ठे करो बैंगन, इकट्ठे करो बैंगन, इकट्ठे करो। तो यहाँ पे चल रही है आज बैंगन की तुड़ाई और मितांश के पापा तोड़ रहे हैं बैंगन। और मितांश देखो मितांश की ड्यूटी है टप में रखने की है ना, ये देखो हमारा किसान बच्चा। तो कितने हुए कैसे काटते हैं बैंगन? अच्छा थैंक यू। तो ये देखो दोस्तों ये है जो कि ना बंदर ने खा रखे हैं। तो ऐसा कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे नीचे आपको इतने मिलेंगे ना ये खाए हुए। ये ना मैंने आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया था 20 किलो बंदर खा गए। क्या खाया बंदर ने? ये वाला बैंगन है वो कद्दू नहीं है। तो मितांश भी बोल रहा है दोस्तों कि ये देखो बल इसको ना बंदर खा गया है, अभी ऐसा हो रखा है ना। हाँ तो दोस्तों ये देखो हमारी हमारे किसान की किसानी और इसका काम है खाली ये करती है माल सप्लाई। इसका काम है मेरा काम है टिपना, इसका काम है उठा के सप्लाई करना। चल भाई वो टपले का क्या है यहाँ ये पकड़ा ने चला छोटे शीरो जम। तो ये देखो अब बोल रहे हैं भाई रे ये देखो इसने गिरा दिए सारे। हाँ यार इसने गिरा दिए, भारी हो रहा है ये सच में। उठाओ जरा हेल्प। कहाँ तो सी क्या फोटो खींच रहे? अरे यार वैसे के ठीक जाओ जस्ट घून में घुन में लेने आप नहीं भाई मैं बस कौन ची कौन बोल रहा है। तो दोस्तों बैंगन के साथ साथ हमारे घर में मूली भी बहुत हो रखी है। तो आज किरण दिखाएगी आपको कि कितने मूली, क्योंकि सारे बाजार भेजेंगे हम इनको क्योंकि बरसात होती है ये खराब हो जाते हैं। तो चलो आ जाओ। हाँ ठीक है तो मितांश अभी बोला दरवाजा हैं
तो ये हमारा छोटा उस्ताद। हाँ भुट्टू मत आना, मत खींचो, चलो तो कर दे दरवाजा बंद। ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या क्या छुआ है? तो दोस्तों ये देखो मूली, तो एक किसी ने मंगा रखी, तो ले जा रहा हूँ उसको, बाकी शाम को किरण दिखा रही किरण। अभी मैं मिल रही हूँ दोस्तों आपको सीधे शाम के 5 बजे, और दिन में ना काम करते करते इतना टाइम हो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। हमने आज रास्ता थोड़ा सा एक जगह पे ना ख़राब हो रखा था, उसमें सीमेंट वगैरह डाला अब तक। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का व्लॉग ना मैं आप लोगों से यही शेयर करूँगी कि हमारे घर पर क्या क्या साग सब्जी हो रखी है। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने पॉली हाउस में, और यहाँ से मुझे अभी ना बीन्स की तुड़ाई करनी है, क्योंकि कल हमें बीन्स भेजने हैं मार्केट। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारे पॉली हाउस में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे ना ये देखो बीन्स हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे ना ये पूरी बीन्स तोड़नी है, ये देखिए। तो जो भी ये बीन्स है इसको तोड़ते हैं। बैंगन हमने सुबह तोड़ दिया था, बाकी यहाँ पर अभी देखिए आपको दिखाते हैं टमाटर। तो हमारे घर पे हो रखे हैं आजकल टमाटर, इस वाली साइड ना आपको पूरा टमाटर दिखेंगे। तो मुझे ना इस सारी बीन्स की करनी है तोड़ाई, देखो जितने दिख रहे हैं उधर साइड तक पूरा यहाँ पे बीन्स ही है बीन्स, और नीचे की साइड को भी जा रखे हैं कुछ, ये देखो ये इधर को भी। बाकी इस बार ना टमाटर कुछ अच्छे नहीं हो रखे हैं, ये पूरे सड़े हुए हो रखे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस बार ना पहले हमने इसको अच्छे से नहीं किया, और पता नहीं ये देखो यहाँ पे टमाटर ना किसी ने खा भी रखे, मुझे लग रहा है बंदर आ रखे थे शायद। हाँ तो टमाटर इस यहाँ पे ना बंदरों ने पूरा खा रखा है यहाँ पे टमाटर। बाकी देखो इस वाली साइड से दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे बीन्स ही बीन्स आपको नज़र आएगी उधर तक। तो मुझे ना इस बीन्स की ही करनी है तोड़ाई, और मेरे पास टाइम ना बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ देखिए यहाँ पर है लौकी, ये देखो यहाँ पे है लौकी की बेल, ये देखो यहाँ पे ना एक बड़ी सी लौकी लग रखी है, और बाकी अभी छोटे छोटे फूल आ रखे हैं इस बेल पे। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे आप लोग तो नीचे यहाँ पे छोटे छोटे शिमला मिर्च के पौधे हैं, जिन पे कि अभी शिमला मिर्च लगना स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है हमारी शिमला मिर्च, इस बार ना शिमला मिर्च भी ज़्यादा नहीं लग रही हैं। तो यहाँ कुछ कुछ आपको देखो भांग के पौधे भी दिखाई देंगे। तो चलिए जी अभी करते हैं बीन्स की तोड़ाई। तो चलिए जी दोस्तों एक बार ना मैं यहाँ पे बीन्स तोड़ देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे बहुत ज़्यादा बीन्स तोड़ने हैं। तो पता नहीं मुझसे कितने होंगे अभी, और फिर मुझे खेतों से निकालना है मूली, बहुत ज़्यादा मूली हो रखी है हमारी, तो उसको भी हम लोग देंगे मार्केट, क्योंकि बाद में ना बरसात का टाइम है तो मूली ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी मार्केट दे देंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी बीन्स की तोड़ाई करते हैं स्टार्ट, बाकी फटाफट से तोड़ते हैं बीन्स और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए अभी हमने ना यहाँ पे इतने बीन्स टीप दिए हैं मैंने और मितांश ने, तो ये देखो, और हमारा छोटा किसान भी आ गया है हमारे साथ। और मितांश ना जिद कर रहा था मेरे से कि मम्मी ब्लॉग बनाओ करके, और ये बोल रहा है कि मैं बनाऊँगा बल आपका ब्लॉग, और मैं बोलूँगा कि मम्मी टीप रही है बीन्स, तो ये लो अब बनाओ आप, ठीक है? बोल आगे। मनी आते हैं मामी वीडियो। हेलो गाइस। के बीच। के बीच। तो दोस्तों इस वाले खेत में है हमारी मूली, मतलब इसमें ना हमने जब मतलब ये बोते हैं ना झो मंडुआ वगैरह आ जाओ आप भी आओ, तो ये ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसमें कैसी मूली हो रखी है, ये देखो। तो मेरे को ना क्या है मितान से ये मूली भी निकालनी है, क्योंकि अब ना इस पर बाद में ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है आप भी निकालो, आओ तो सही पहले। तो ये देखो, तो ये मूली निकालना भी ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो जाएंगे बाद में ख़राब,
तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अरे ये छोटा हो रखा था, ये भी निकल गया देखो। बाकी इस वाले खेत में है मंडवा, और इसको हमारी पहाड़ी भाषा में ना चूहा बोला जाता है। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। हमारे गांव में तो इसको चूहा ही बोला जाता है, बाकी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये देखो टूट जा रहे हैं यार ये मूली। मितांस, तो दोस्तों देखो ये मूली ना कैसे टूट जा रही है। आप क्या कर रहे हो, मूली निकाल रहे हो, फू कर रहे हो मम्मी को। तो दोस्तों देखो मैंने इतनी मूलियाँ जमा कर दी हैं, और आधा मूलियाँ ना मैंने उधर पे जमा कर रखी है। तो यहाँ से नीचे जो दो खेत हैं हमारे उनमें भी बो रखी है हमने मूली, तो मैं ना उसको लेके भी आती हूँ वहाँ से, जब तक मितांस थोड़ा यहाँ पे खेल कर रहा है। तो इस पेड़ पे देखो हमारे कितने सारे सेब हो रखे हैं, बट ये पहाड़ी सेब हैं तो ये पकते ही नहीं है। यहाँ देखो छोटे छोटे हो रखे हैं, और नीचे उधर बहुत सारे पेड़ हैं हमारे, तो उन पर भी खूब सारे सेब लगे हुए थे पर बंदरों ने खा दिए हैं। तो ये देखिए ये देखो कैसे हो रखे हैं ये सेब। हम भी आ गए। तो दोस्तों किसानी नहीं चलेगी, और ये सब्जी लेने आ रखी थी हमारे भाई को, बहुत दिनों बाद ये भाई हमें ब्लॉग में मिले होंगे इन्होंने, क्योंकि दो तीन महीने से हमारे साथ थे नहीं, पता नहीं कहाँ है। यहाँ थे ये देखो, यहाँ मैं तेरे क्या फुला रहे चेट। दोस्तों मूली खाड़े हमें यहाँ पर मूली, और इसके बीच में बड़ा बड़ा मुँह मिला दिया आप दिक्कत माँ मुँह जो नीचे तो ओहो। तो मैडम अभी क्या कर रही है। तो दोस्तों देखो अभी हमारे मिस्टर जी भी पधार चुके हैं, तो अभी हम दोनों लगे हैं यहाँ मूली की खोज में। मूली खो गई हमारी, दोस्तों देखो घर के बिल्कुल ताजे मूली ये देखो। और अभी हमारे पुत्र के साथ ही आ गया है, तो दोस्तों देखो इस साइड से भी ना हमने इतनी मूलियां निकाल ली हैं, तो ये लगे हुए हैं हमारे पहाड़ी किसान अभी ढूंढने पे। तो फाइनली निकल चुकी हैं इतनी मूलियां इसमें से भी, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है थोड़ी सी, बाकी सब संभव है। हमें पता नहीं था, कल हमने तो ऐसे बीज छाड़ी थी, लेकिन आज कम से कम हमारे पास आधा क्विंटल मूली है यहाँ, इससे ज़्यादा तो उधर है, ये तो कम है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अभी, ये देखो कितने खतरनाक लग रहे बरखा, बटी बरखा रे बरखा झुकी। मूली ले भिंडी ले तोरी ले ये तो दोस्तों देखो अभी बज रहे हैं रात के 8, और यहाँ पे चल रही है मूली की धुलाई। तो ये देखिए इसको ना हमें मार्केट देना है, तो साफ करके देना पड़ेगा, तो वहाँ पे देखिए धोके इन्होंने रख दिया है। तो कैसा लग रहा है रात को काम करके, क्या करें, करना पड़ेगा, पेट पालना है तो करना पड़ेगा। तो इतनी बहुत सारी मूलियाँ हो रखी हैं, तो जो मूलियाँ ख़राब है उसको साइड कर रहे हैं, बाकी जो ठीक ठाक मूलियाँ हैं देखिए उनको देंगे हम लोग मार्केट। तो देखो कितनी सारी मूलियाँ निकल ही गई खेतों में, मुझे तो लगा कम ही होंगी, अभी हो रहे हैं बहुत, कल सुबह दिखेंगे इनको निकाल के। हाँ तो फिर थोड़ी मैडम हमारी वहाँ मिट्टी भाभी जो भले ही
तो दोस्तों लाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो मैं फ़ोन जगा के देखो वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।